सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड को लेकर, GSPL। आप लोग देखोगे GSPL के अंदर 20% का बिग फॉल हमें आज के दिन दिखाई दिया। और गिरावट क्यों हुई थी इसके पीछे मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि जो इनका रेगुलेटर है, ठीक है, वो जो ना अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे जो टैरिफ वगैरह है वो उन्होंने कट किए, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक हैवी नुकसान हमें इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। और उसी चिंता को लेकर निवेशकों का यहाँ से निकलना भी बनता था, ठीक है। ये जो खबर आई थी उस खबर के बाद ऐसा माहौल स्टॉक में क्रिएट हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से सेलर्स यहाँ पर हावी हुए हैं। और उसके बाद आप लोगों ने कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी गई भाई इसके ऊपर, तो ऐसे में तो माहौल बिगड़ेगा स्टॉक का। और ये स्टॉक आप लोग देखोगे भी 20% फिसल चुका है, और जो भी ब्रोकरेज हाउसेज ने जो इनके नीचे में सेल रेटिंग दी थी, सेल टारगेट दिए थे, ऑलमोस्ट स्टॉक वहाँ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मंडराते हुए नजर आ रहा है। क्या यहाँ से कोई और बड़ा फॉल स्टॉक में आ सकता है, या फिर जो टारगेट्स दिए थे वहाँ से इन शेयरों में रिकवरी बनने के चांस है या फिर नहीं, वो जानेंगे इस वीडियो में। और जिस भी भाई को नहीं पता है कि स्टॉक में आखिरकार गिरावट क्यों हुई है, तो चलिए उसके ऊपर भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो 3,23,00,000 के आसपास की वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। 25% स्टॉक अपने बाउंड वीक हाई से फिसल चुका है। तो चलो देखते हैं डिटेल में क्या खबर है। तो यहाँ पर आप लोग देखो बाजार खुलते ही इस PSU स्टॉक में लगा जो अभी सर्किट लोअर सर्किट 20% के करीब जो स्टॉक है वो फिसला। तो इसके ऊपर इतनी जो चुनिंदा शेयरों की पिटाई हो रही है अभी मार्केट के अंदर, इस तेजी के मार्केट में आप लोग देखोगे आखिरकार क्यों, तो चलिए आपको दिखा देते अभी इसके पीछे का क्या कारण रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे 20% स्टॉक टूटा है आज के दिन ये, ठीक है, 302 रुपये की रेंज में स्टॉक गया। अभी के टाइम में 303 के आसपास की इसकी क्लोजिंग रही है। वैसे भी स्टॉक 312-313 रुपये के आसपास नीचे से उठ गया था एक बार तो, लेकिन लास्ट में स्टॉक में लगा लोअर सर्किट ही भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे भाई PNGRB जो कि रेगुलेटर है, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे ने कंपनी के हाई प्राइस गुड टैरिफ में 47% की तेज कटौती कर दी भाई, ठीक है, और 18 रुपये 10 पैसे MMBTU है वो कर दिया, ठीक है। और इनका जो मांग थी वो देखो भाई 34 से इतना कट कर दिया, इतना घटा दिया, लेकिन इनकी मांग क्या थी, इनकी मांग तो आप लोग देखोगे भी 51 रुपये की थी, ठीक है, इनकी मांग 51 की थी, लेकिन 51 की बजाय आप लोग देखोगे भी इनका तो उल्टा ही हो गया, ठीक है। जो PNGRB है इनका तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कट कर दिया, 50% के करीब कट कर दिया, लेकिन ये तो ऊपर में बढ़ाने के बारे में बोल रहे थे, तो ये बड़ा कारण रहा है इस गिरावट के पीछे। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी टैरिफ को लेकर अनालिस्ट का जो ना भी PNGRB की तरफ से 10 से 15% कटौती का अनुमान था, ठीक है, इनको अनुमान पहले था भी कटौती तो होगी, लेकिन 10 से 15% होने की जो ना संभावना थी, लेकिन इतना बड़ा जो कट कर देगा इसको लेकर जो नबी सभी के होश उड़ गए हैं, ठीक है। टैरिफ 6 साल बाद की समीक्षा हुई, ठीक है, 6 साल के बाद रिव्यू किया गया, और GSPL इस आदेश को चुनौती देगी भाई। तो GSPL ने जो नबी अनाउंस किया है, वैसे 1 मई को जो नबी ये लागू होगा सब कुछ, लेकिन 1 मई से पहले आप लोग देखोगे इसको लेकर जो नबी GSPL इसको चुनौती देगा, इसके अगेंस्ट आप लोग देखोगे भी जो कुछ भी है वो एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो PNGRB ने क्यों काटी भी दरे, देखो इनके पीछे का रीजंस क्या रहा, क्यों काटी गई है। इनका मानना है कि जो नई पाइपलाइनों जो बिछेंगी या फिर नई पाइपलाइन होगी उनके ऊपर जो भी कम ऑपरेशनल खर्च होगा, यानी कि उनकी लागत कम होगी, तो लागत कम होने की वजह से आप लोग देखोगे भी जो वॉल्यूम है, ठीक है, उसमें इंक्रीजिंग आएगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो इनको भले ही बेनिफिट कम हो, लेकिन ज़्यादा ग्राहक जुड़ने के साथ साथ आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा उन सब चीज़ों से। तो इसलिए PNGRB ने यहाँ पर कट किया है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब आप लोग देखोगे पेट्रोनेट LNG इसके ऊपर नजरें बनाए रखो भाई, ठीक है। अगर वहां पर ऐसा माहौल बिगड़ा तो वो स्टॉक भी एक बड़ी करेक्शन की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है। और इसके बाद आप लोग देखोगे भी कुछ एक शेयर ब्रोकरेज जो भी इसको लेकर आउटलुक आते हुए नजर आए, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने GSPL पर रेटिंग को डाउनग्रेड करके बाय से अंडर परफॉर्म कर दिया है, और शेयर पर जो टारगेट को आप लोग देखोगे पहले 440 रुपये रखा गया था, यहां पर कुछ उल्टा हो गया अभी, और अभी के टाइम 320 कर दिया भाई। उसके बाद CLSE ने भी
रेटिंग को सेल कर दिया है और सेल के साथ ही 330 रुपये कर दिया है इसका प्राइस टारगेट। और वहीं सिटी ने भी आप लोग देख स्टॉक में बिकवाली की रेटिंग को बरकरार रखा और 295 रुपये के टारगेट जो है नीचे में दिए हैं। और अभी टाइम आप लोग देखोगे 302-303 रुपये के आसपास स्टॉक का भाव है। स्टॉक यानी कि अपने उसी रेंज के आसपास आया हुआ है जहाँ पर इन ब्रोकरेज के जो टारगेट आ रहे थे नीचे में। तो यहाँ से क्या ये स्टॉक इन लेवल्स के आसपास से टिक पाएगा या फिर यहाँ से स्टॉक में अभी और फॉल बन सकता है, इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकते। देखो भाई, इस पूरे के पूरे जो माहौल बना है यहाँ पर टैरिफ वगैरह घटे हैं तो उससे आप लोग देखो कंपनी के बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट आएगा। ठीक है, EBITDA मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, उन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आएगा। इसी वजह से यहाँ से जो अभी हम एक बिग फॉल स्टॉक में बनते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ पेट्रोनेट के ऊपर अपनी नज़रें बनाए रखो भाई, अगर होल्डिंग है तो अपना जो कुछ भी है थोड़ा संभल के चलना, मत बस यही कहूँगा भाई। और बाकी देखते हैं क्या क्या खबरें आती है निकल कर इस पूरे सेक्टर के रिगार्डिंग, और रही बात इसके आगे के मोमेंटम कैसे होंगे, चलिए वो देखते हैं चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को लेकर अगर बात करें लेवल्स की, तो नीचे में सपोर्ट 278 एंड 255, ये दो सपोर्ट बने हुए। फ्रेश एंट्री को लेकर ऐसे माहौल में मेरी कोई ऐसी अपडेट भी नहीं हुई कहीं आप लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोचो। ठीक है, जब तक मामला सुधर नहीं जाता है तब तक यहाँ पर फ्रेश एंट्री का कोई माहौल नहीं है और ऐसी सिचुएशन में लेनी भी नहीं चाहिए भी फ्रेश एंट्री। ठीक है, 20% का सर्किट है, क्या पता 20% और फिसल जाए और क्या पता यहाँ से स्टॉक में फिर से अच्छी रिकवरी बन जाए। और बाकी देखते इसके ऊपर जो कोई भी अपडेट आएगी निकल कंपनी क्या इसके अगेंस्ट जाती है, अगर जाती है तो वहां से क्या फैसले आते हैं, सब कुछ आपको चैनल पर डिटेल वाइज मिलते रहेंगे अपडेट। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। अगला टारगेट आप लोग देखोगे भी जो PNGRB है उनका हो सकता है पेट्रोनेट, तो उसके ऊपर अपनी नजरें बनाए रखो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।